इंडिया नजर न्यूज में आप सभी का स्वागत। ग्रेटर नोएडा के कोतवाली दादरी क्षेत्र के आनंदपुर गांव ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के पास दादरी पुलिस व बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश इरशाद पैर में गोली से घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। इरशाद पर डकैती के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पकड़े गए बदमाश के गैंग पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित एक अवैध तमंचा भी बरामद किया है। साथ ही गिरफ्त में आए बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। कानपुर में हुई घटना के बाद नोएडा व ग्रेटर नोएडा पुलिस पूरी तरीके से चौकस हो गई है, जिसके चलते पुलिस में डकैती के मामले में फरार चल रहे एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दादरी थाना पुलिस की गिरफ्त में लंगड़ाता हुआ चल रहा है यह 25,000 का इनामी बदमाश इरशाद है। दादरी के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आनंदपुर गांव के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ बदमाश क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए दादरी पुलिस ने घेराबंदी करनी शुरू कर दी। जैसे ही बदमाशों की बाइक आनंदपुर गांव के पास आई, पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया। बदमाशों ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस की एक गोली इरशाद के पैर में लग गई और बाइक समेत जमीन पर गिर गया। पुलिस में दौड़कर घायल बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश का नाम इरशाद है और उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। थाना दादरी क्षेत्र में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसमें एक बदमाश घायल हुआ, जिसके पैर में गोली लगी हुई है। इसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। यह डकैती में वांटेड था, इसका नाम इरशाद है। डकैती में वांटेड था और ये शातिर अपराधी है। इस पूरे गैंग के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जा रही है। इससे इस पे 25,000 रुपये का इनाम था और इससे चोरी की बाइक बरामद हुई है, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है।